हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन कोल्ड, मतलब कि खांसी, नज़ला, जुकाम और एलर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जानेंगे इसकी मेडिसिंस के बारे में, इस केस में कौन कौन सी मेडिसिंस का यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कॉमन कोल्ड और एलर्जी। तो कॉमन कोल्ड वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। ये हमारे नोज और गले के अंदर जो है इन्फेक्शन कर देता है। तो देखिए, ये वायरस दिखाई दे रहे हैं। तो वायरस ये हमारी नेजल कैविटी में जाकर या ओरल कैविटी में जाकर ये हमारे नेजल कैविटी या हमारे गले में इन्फेक्शन कर देते हैं। नेक्स्ट आता है एलर्जी। अगर हमें पोलन एलर्जी या किसी फूड मटेरियल की एलर्जी होती है या मेडिसिन की एलर्जी होती है, तो एलर्जी के केस में भी हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है यहाँ पर इन्फेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों ही केस में, कॉमन कोल्ड और एलर्जी के केस में, हम कुछ सिम्टम्स देखते हैं। तो ये सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? पहला होता है स्नीजिंग, मतलब कि छींक आना। दूसरा होता है लेबर ब्रीथिंग, मतलब कि सांस लेने में तकलीफ होना, दिक्कत होना। नेक्स्ट आता है रेशेस। तो बॉडी पे इस टाइप के देखिए लाल लाल रंग के चकते पड़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है रनी नोज, मतलब कि बहती नाक। नेक्स्ट आता है इडीमा, तो हमारे जो फेस होता है उस पर इस टाइप की सूजन आ जाती है। उसके बाद आता है कफ। नेक्स्ट आता है रेडनेस, तो हमारे फेस पे इस टाइप की देखिए रेडनेस हो जाती है। नेक्स्ट आता है लैक्रिमेशन, मतलब कि आंसू निकलना, और हेडेक, मतलब कि सिर दर्द। इन सिम्टम्स के साथ साथ गले की खराश होना, मतलब कि सोर थ्रोट होना, और नेसल कंजेशन, मतलब कि नाक का बंद होना। यहाँ पर जो म्यूकस होता है वो नाक को बंद कर देता है। और माइल्ड फीवर, मतलब कि हल्का सा बुखार यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सिम्टम्स होते हैं कॉमन कोल्ड और एलर्जी के। अब यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं? तो यहाँ पर एबिल का जो काम होता है वो होता है एंटी एलर्जिक, मतलब कि एंटी हिस्टामिन। तो एबिल का 2 ml यहाँ पर इंजेक्शन लेना होता है। एबिल के अंदर क्या होता है? एबिल के अंदर जो मेडिसिन होती है वो होती है फिनरामाइन मेलेट। उसके बाद डेक्सोना जो कि एक स्टेरॉयडल ड्रग होती है जो कि एंटी इन्फ्लामेशन में काम करती है, तो इसका भी 2 ml ले लेते हैं। दोनों को मिक्स करने के बाद यहाँ पर इसको IM दे दिया जाता है, मतलब कि इंट्रामस्कुलरली इसको दे दिया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है सिट्रिजिन या लीबोसिट्रिजिन। तो लीबोसिट्रिजिन और सिट्रिजिन में क्या फर्क होता है? लीबोसिट्रिजिन जो होती है सिट्रिजिन की लीबो फॉर्म होती है। जब लैब में कोई भी मॉलिक्यूल बनता है तो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेकआउट की जाती है। यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्या मतलब होता है? तो जो भी मॉलिक्यूल होता है वो 2 फॉर्म में होता है, या तो लीबो फॉर्म में होता है या डेक्स्ट्रो फॉर्म में होता है। तो ये सिट्रिजिन की लीबो फॉर्म होती है। तो सिट्रिजिन या लीबोसिट्रिजिन एक एंटी हिस्टामिन ड्रग होती है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज की। तो पर केजी 0.2 mg इसको देना होता है। क्या मतलब हुआ इसका? अगर कोई पर्सन 60 किलोग्राम का है तो उसको कितनी मेडिसिन हम दे सकते हैं? तो 60 × 0.2, मतलब के 12 मिलीग्राम इसको दे सकते हैं पेशेंट को। तो दिन में ये कितना चलाना चाहिए? तो ये दिन में BD इस मेडिसिन को दिया जा सकता है, मतलब कि सुबह शाम इस मेडिसिन को दिया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है एलेग्रा। एलेग्रा में होता है फिजोफेनाडाइन हाइड्रोक्लोराइड, तो ये एंटी हिस्टामिन ड्रग होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी डोज की। तो पर केजी में 2.5 mg ये देना चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका? अगर कोई पर्सन 60 किलोग्राम का है तो 60 × 2.5 = 150 mg ये मेडिसिन दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो डोज है वो 120 mg है। तो पर डे जो है इसको हम एक मेडिसिन दे सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट मेडिसिन आती है चेस्टन कोल्ड। तो चेस्टन कोल्ड में देखिए 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। पहला होता है सिट्रिजिन, दूसरा फेनिल एफरिन हाइड्रोक्लोराइड, तीसरा पैरासीटामोल। तो इसका मतलब ये हुआ, पैरासीटामोल है यहाँ पर तो ये बुखार को कम कर देगी। जो एलर्जी है कॉमन कोल्ड के कारण माइल्ड फीवर हुआ है तो हमारे फीवर को ये उतार देगी, मतलब कि बुखार को कम कर देगी। और सिट्रिजिन देखिए एंटी हिस्टामिन ड्रग है तो ये एलर्जी को कम कर देगी। उसके बाद यहाँ पर आता है फेनिल इफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड। इसका क्या काम होता है? इस मेडिसिन का काम होता है जो नेसल कंजेशन, जो हमारी नाक ठसी हुई होती है, उसमें ये राहत देता है। बात करें हम इसकी डोज की, तो दिन में ये एक बार दी जाती है, मतलब कि वंस अ डे, मतलब कि OD। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट मेडिसिन आती है मोंटिलुकास सोडियम टेबलेट IP। IP मतलब अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 10 mg होती है। तो मोंटिलुकास जो होती है वो ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर क्लास की मेडिसिन होती है, तभी इसका नाम मोंटिलुकास पड़ा है।
तो ये मेडिसिन ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर मेडिसिन होती है। ये क्या काम करती है, जो हमारा ईयर बेस होता है, जो सांस की नली होती है, उसको ये डायलेट कर देती है, मतलब कि उसको ये फुला देती है। बात करें हम इसकी डोज की, तो इसको दिन में एक ही बार लेना होता है, मतलब कि वंस अ डे। यहाँ पर देखिए, इनमें से हम कोई सी भी एक मेडिसिन चूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।